दोस्तों आप भी सोचते होंगे कि आखिर हीरा इतना महंगा क्यों होता है। बता दें कि हीरा इतना महंगा इसलिए है क्योंकि डायमंड को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। ये हाई टेम्परेचर और कई रासायनिक बदलाव के बाद बनता है। डायमंड 140 से 190 किलोमीटर की गहराई में पाए जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। आपको बता दें कि पृथ्वी में हीरा काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी तक कुछ देशों में ही डायमंड की खदान पाई गई है। इसकी मुश्किल चीज ये है कि ये काफी गहराई में पाया जाता है, जिसे निकालने की प्रक्रिया काफी जोखिम भरी और महंगी होती है। काफी मुश्किलों के बाद जब हीरे को खदान से निकाल लिया जाता है तो इसे एक्सपर्ट कारीगर द्वारा तराशा जाता है। तराशते समय अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीरा दुनिया की सबसे कठोर चीज है, ऐसे में हीरा ही हीरे को काट सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायमंड सिर्फ सफेद रंग का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हीरे लाल, नीले, नारंगी और बैंगनी रंग के भी होते हैं। ये रंग हीरे के पत्थर में मौजूद हल्की सी अशुद्धि के कारण होते हैं, लेकिन ये भी बहुत महंगे होते हैं। दुनिया में सबसे पहले हीरे की खोज आज से 4000 साल पहले इंडिया में हुई थी। क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हीरा साल 1905 में साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। दोस्तों डायमंड के मामले में साउथ अफ्रीका दुनिया का सबसे लकी देश है, क्योंकि यहां वर्ल्ड के 95% डायमंड साउथ अफ्रीका की खदानों में ही मिलते हैं। इंडिया की बात करें तो हमारे देश में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डायमंड की खदानें हैं। आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दूं, जब इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर था तब कोहिनूर इंडिया से ब्रिटेन ले जाया गया था। वह कोहिनूर हीरा पन्ना जिले की खदान में ही मिला था। दोस्तों मेरी और वीडियोस के लिए प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।